Hey guys, welcome to my new vlog. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का दिन. और हम अभी मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और वॉक पे जाने के बाद हम रीडिंग वगैरह वगैरह जो भी करेंगे और हमारे खेत के अंदर भी जाके आएंगे और जो भी सारे काम हैं वो करेंगे आज के इस नए ब्लॉग के अंदर. चलिए शुरू करते हैं, अब हमारे खेत की तरफ चलते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे खेत की तरफ चलना है हमारे को. और व्लॉग अभी बनाना शुरू किया है मैंने, व्लॉग बनाना. और व्लॉग बनाने के समय मैं अभी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ इस चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइज, अभी हम आधे रास्ते में आ चुके हैं और आधे रास्ते में आने के वक्त मैंने ये जो सूरज है, ये सूरज आप लोग पीछे देख सकते हो, पीछे बिल्कुल राइट सूरज आ चुका है हमारा. हम सूरज के बिल्कुल ये है. तो गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तार लगे हैं और इस तार को फांद कर हमें जाना होगा हमारे खेत में. ये तार हमने इसलिए लगाया है ताकि रोज ना बढ़ सके खेत के अंदर. फाइनली गाइज, आप देख सकते हो ये हमारा खेत आ चुका है. फाइनली गाइज, हम अपने खेत के अंदर पहुँच चुके हैं और ये रहा हमारा जो खेत है, आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं. ये रहा, ये देखो कितना ज़्यादा इसमें सरसों आ चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें उग चुका है सब कुछ. वो आप लोग बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर सकते हो किस प्रकार से हमारा एक खेत है, ऑब्ज़र्व कर सकते हो आप लोग. देखो कैसे फूल आए हुए, इसको सरसों को फूल आ चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हो. पूरा खेत बड़ा सारा है माई फ्रेंड्स. हमारे खेत में बेरी भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ. और इस बेरी के अंदर बेर उगे हैं, पर वो जो बेर है वो अभी कच्चे हैं, वो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल. और कच्चे बेर को पकने के लिए अभी 15 से 20 दिन लग सकते हैं. ये देखो आप लोग बेर देख सकते हो, कच्चे हैं बिल्कुल भी, ऐसे नहीं. तो इसको लेकिन लगे बहुत ज़्यादा है, इसको ज़्यादा सारे लगे हैं, ऐसा नहीं. सो गाइज, अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज करने के लिए और एक्सरसाइज करने के बाद हम बुक रीडिंग भी करेंगे. रीडिंग और एक्सरसाइज और योगा, ये सब हमारे को करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है माय फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारे को एक्सरसाइज करना होता है. और एक्सरसाइज करने के लिए हमारे को अच्छे से प्लेस पे जाना होता है, जो सवेरे के टाइम पर जाना होता है, जिसमें हमारे को जो ठंडी हवा है उसका अच्छा सा ठंडी हवा मिले हमारे को और अच्छा हमारे को एक्सरसाइज करने को मिले. तो हम उस प्लेस पर अभी जाने वाले हैं. मेरा जो पर्सनल प्लेस है जिसके ऊपर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो एक्सरसाइज का प्लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो अभी आप लोग देखेंगे. और चलिए हम चलते हैं वहीं पर ही. सो गाइज, अभी हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की प्लेस पर जल्दी से. और माय फ्रेंड्स, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगता है ये मेरे को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जो व्लॉग अभी मेक किया है वो आप लोगों को कैसा लगा है, वो आप लोगों को बताना है ज़रूर ज़रूर से. और जैसे ही ये व्लॉग पूरा ख़त्म हो जाता है तो आप लोग मुझे ओपिनियन में बता सकते हो कि ये व्लॉग आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर क्या क्या हमारे को इसके अंदर ऐसी जो है व्लॉग्स के अंदर बताना चाहिए कि भाई कैसी कैसी चीज़ों को हमारे को इंक्लूड करना चाहिए, वो आप लोग हमारे को इसके अंदर सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके. गाइज, अभी हम आ चुके हैं हमारे इस रूट पर. देख सकते हो आप कितने सारे खेत है और खेत के अंदर सारी सरसों उगी है. फाइनली गाइज, हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, कम लोग आना जाना करते हैं यहाँ से. और अब हम फाइनली गाइस वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ. बट ये प्लेस पर पहले मैं एक्सरसाइज करता था, बट यहाँ पर अभी हम ना करते हुए हम थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ पर जो बड़ का पेड़ नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर जाएंगे. वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत ही शानदार प्लेस है हमारा, वहाँ चलते हैं माई फ्रेंड्स. सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी इस जगह पर जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज करने के बाद में हम बुक रीडिंग करेंगे. और रीडिंग करने का ये बेनिफिट होता है माय फ्रेंड, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रीडिंग करने से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही मेंटली स्टेबल रहता है और हमारा जो
हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि रीडिंग करने से हमारा जो माइंड है वो एक्सरसाइज्ड होता है, और उसकी एक्सरसाइज करने की जो प्रक्रिया है वो रीडिंग है। सबसे पहला मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, आपको अगर मेंटल हेल्थ स्टेबल रखना है तो आपको अपने आप को रीडिंग कराना होगा। अगर आप रीडिंग करते हो तो बहुत बढ़िया, आपका मेंटल हेल्थ रहता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं योगा करूँगा, और योगा करने का मैं टेक्निक आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ। ये जो हमारी तर्जनी है, इस उंगली को हमारे को इस प्रकार से रखना होता है, और इस प्रकार से रखने के बाद हमारे को आँखों को बंद कर लेना होता है माय फ्रेंड्स। और आँखों को बंद करने के बाद हमारे को 10 मिनट तक हमारे को ये खोलना नहीं है, और अंतर ध्यान करना है। अंदर हमारे को अच्छे से ओम का उच्चारण करना है या फिर और भी कुछ, अंदर ही अंदर हमारे को शांत रहना है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि योगा कैसे करते हैं, इस प्रकार से आपको करना है। आप लोग योगा कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी इसकी पोजेस है जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो कि आपको योगा की कौन कौन सी पोज करनी है, वो आप लोग इसमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी खुद गूगल से सर्च करके देखता हूँ। तो अभी हमारे को क्या करना है, रीडिंग करना है। सो हम एक पार्ट है जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो एक बुक है उसको मैं रीड करता रहता हूँ। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपके भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपके भाई कौन सा नॉलेज आपको गेन करना है उस हिसाब से आप बुक चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका जो कवर पेज है उसको खोल लेते हैं, और अभी मैं कहाँ पर पहुँचा था वो देखना होगा मुझे। चैप्टर 4, एक मिनट, मैं पेन से मार्क कर देता हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे माय फ्रेंड्स। व्हाट वाज रॉबर्ट सेइंग, नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज रॉबर्ट सेइंग इन दिस क्वाड एंड व्हाई डज ही से दैट इन दिस सेक्शन यू डू नॉट नीड टू एग्री और डिसएग्री। फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, सो यू कैन चूज दिस बुक एंड रीड इट नाउ। बेनिफिट्स आर इंक्लूड इन दिस बुक, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सपोर्टिंग एंड दैट्स ऑल शेयर मार्केट्स नॉलेज इन दिस बुक। ब्लॉग मेकिंग करना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो आप भी। मेरे को बहुत ज़्यादा आगे पहुँचाओ आप लोग, बहुत ज़्यादा, ताकि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बना बना के डालूँ इस पर, और आप लोगों को पसंद आए ज़रूर। ऐसे ब्लॉग्स मैं इस पर अंदर बनाऊँगा, बहुत सारी ऐसी शॉपिंग वगैरह वगैरह की चीज़ें भी इसके अंदर लाऊँगा, कुछ अनबॉक्सिंग्स भी करूँगा, कुछ इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रखूँगा जिसके वजह से जो इंटरेस्ट बढ़ता है। ऐसे ऐसे इसमें टॉपिक्स ऐड करूँगा ब्लॉग्स के अंदर, और नए नए टॉपिक्स को इसके अंदर ऐड करने के बाद फिर मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊँगा। इस टहनी पे बैठ के मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ वो आप लोग देख सकते हैं। सो चलिए गाइज, हम चलते हैं घर की तरफ, और घर की तरफ हम निकल चुके हैं। और अभी हम जो है, एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि हमारे को क्या है कि जो सूर्य आता है उसकी तरफ हमारे को देखना होता है भाई कंसिस्टेंटली। 5 से 10 मिनट तक हमारे को उसको देखते रहना होता है, जब वो उगता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये उगता है ना उस टाइम पर हमारे को देखना होता है इसको, सूर्य आता है वो, ठीक है। इसको नहीं, आई एम रिस्पेक्ट फॉर दैट सन, बिकॉज दिस इज़ ब्रह्मांड दाता, सूर्य दाता। सो आप लोग देख सकते हो सूर्य दाता को, और सूर्य दाता को हम नमन करते हैं अच्छे से, बिल्कुल तरीके से। किताब को अपने पास रख लेते हैं और फिर अब ऐसे नमन करते हैं तरीके से। इसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ अभी, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि बहुत से जो लोग हैं जिनको भाई व्लॉगिंग शुरू करना है वो सोचते हैं कि मुझे बहुत महंगा वाला फ़ोन लेना होगा,
या फिर बहुत महंगा वाला हैंडसेट यूज़ करना होगा, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो मेरा व्लॉगिंग अभी स्टार्ट किया है वो मेरे बहुत ही सस्ते वाले फ़ोन से शुरू किया है, और इस फ़ोन से अभी मैं अभी व्लॉगिंग शुरू करता हूँ। इस फ़ोन से मैं अभी व्लॉग बनाऊंगा बहुत सारे, और इससे जो है आगे बढ़ूंगा, और उसके बाद में ये कुछ ही नहीं पैसों से मैं अपना यूट्यूब के पैसों से फ़ोन लूँगा नया, और उससे फिर व्लॉगिंग करूँगा। और मेरा जो मेन गोल है वो है एप्पल का आईफोन लेना, एप्पल का आईफोन लूँगा माई फ्रेंड्स। मैं ये बात बिल्कुल 100% सच है कि मैं यूट्यूब से ही एप्पल का आईफोन लूँगा। हाँ, यूट्यूब से बोले तो या फिर कैसे भी, पर लूँगा एप्पल का आईफोन, ये बात पक्की है, 100% है। क्योंकि पहले तो मैंने शुरू किया है इस फ़ोन से, बट ये फ़ोन का जो क्वालिटी है थोड़ा सा डल है, बट कोई दिक्कत नहीं है। डल है तो क्या हुआ, पर है तो सरी, जो भी है यहाँ से स्टार्ट करने को तो मिला मेरे को। फर्स्ट स्टेप पे क्या है, आदमी डायरेक्ट 5 और 10 स्टेप पर नहीं चढ़ता है, पहले उसको पहले स्टेप पर ही चढ़ना होता है, इसीलिए हमारे को पहले स्टेप पर चढ़ते हुए इस फ़ोन को यूज़ करना होगा, और कुछ दिन तक हमारे को इसी से व्लॉग बनाने होंगे। और उसके बाद जब मेरा नया फ़ोन आएगा, या फिर जो भी अच्छे क्वालिटी का फ़ोन लाऊंगा मैं, उससे बनाऊंगा, और उसके बाद में फिर अच्छा प्रोग्रेस करके फिर मैं आईफोन लूँगा, और उस आईफोन का भी इसी व्लॉगिंग चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वीडियोस अच्छे अच्छे डालूंगा उस पर भी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वीडियो मस्त है, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप लाइक करो और अच्छा खासा सपोर्ट करो, मेरे को भी मस्त भेजो दूर दूर तक, सब लोगों को दिखाओ कि मैं भी कुछ व्लॉग बना रहा हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स को मैं बनाता रहूँगा माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा ना, तो मेरे को ज़रूर बताना, और मेरे को बताना कि मैं इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या क्या और इसमें ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। और हमने जो एक्सरसाइज है, बुक रीडिंग है, वो कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल तरीके से, वो आप लोगों ने देखा है। और अभी हम क्या करते हैं, घर की तरफ चलते हैं, और घर की तरफ चलने के बाद हमारे घर पर जो है, अभी मैं नहाऊंगा अच्छे से, भगवान की पूजा करूंगा। और जो है मेरा घर जो है इतना बड़ा नहीं है, बट अभी जो है वाइडली मैं अच्छा सा रूम अपना जो है ऑर्गेनाइज़ करूंगा उस रूम को, और उसके अंदर अपना जो स्टूडियो है यूट्यूब का, वो उसके अंदर बराबर फिट करूंगा। और कंप्यूटर भी अपना है जो, उसको मैंने रिपेयर तो कर रखा है, बट उसके अंदर मैं अभी स्क्रीन वगैरह लगाऊंगा, और अच्छी खासी उसके अंदर मैं ये करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, वो आप लोग देख सकते हो। और माय फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग मैंने बनाना कैसे शुरू किया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे बाद में पता चला कि व्लॉग्स की कैटेगरी में अच्छा खासा व्यूज़ का जनरेशन होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं व्लॉग्स को देखने, इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं अपन भी एक व्लॉग चैनल खोले। गाइस, अभी हम घर पर आ चुके हैं, और घर पर आने के बाद हम अभी बाकी के जो काम है वो करेंगे, और बाकी के जो काम है वो सबसे पहले हम अभी नहाऊंगा मैं। नहीं गरम, जो कि आप लोग देख सकते हो नहाने के लिए हमारे को बहुत ही ज़रूरी होता है। और अभी हम चेक कर लेते हैं कि कितना गरम हो चुका है, अगर ये गरम हो गया, गरम तो हो गया है, पर और गरम करेंगे इसको, मेरे को ज़्यादा गरम चाहिए होता है। सो गाइस, हम अभी हम दांत घस, सो गाइस हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, और दूध भी पियेंगे, और जो भी काम होते हैं हमारे छोटे मोटे। सो गाइस, अभी हम दूध पीते हैं, इसको मिला के। सो दूध पीना गाइस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप भी पियो, क्यों नहीं। तो गाइस, समय हो चुका है लंच करने का, अभी हम लंच करते हैं, और लंच में है हमारे पास खिचड़ी, अचार और खिचड़ी। तो गाइस, अचार, प्याज, सो गाइस अभी हमें हेल्दी खाना खा लेना चाहिए। सो गाइस, अभी हमने डिनर कर लिया है, अब एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करने के बाद फिर हमारी जो वीडियो एडिटिंग करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
चैप्टर 4।